भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। BML द्वारा निर्मित इस ट्रेन को भारत के बड़े शहरों के बीच ओवरनाइट यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड स्लीपर ट्रेन यूरोप, जापान और चीन जैसी वर्ल्ड क्लास सेवाएं प्रदान करेगी। आइए देखें कि भारत में किन रूट्स पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है। हाल ही में मीडिया में आई कुछ खबरों में यह अफवाह फैल गई कि पहली वंदे स्लीपर ट्रेन आगरा और गोरखपुर के बीच चलेगी। यह बिल्कुल फर्जी है और रेलवे द्वारा ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। यह रूट केवल 600 किलोमीटर लंबा है, जो रेलवे की फ्लैगशिप वंदे स्लीपर ट्रेन के लिए पर्याप्त यात्री नहीं लाएगा। महंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सफल बनाने के लिए भारतीय रेलवे भारत के सबसे सफल ट्रेन रूट्स को चुनने की संभावना है। रेलवे के मास्टर प्लान के मुताबिक पहली दो ट्रेनें दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा रूट पर चलने की संभावना है। मध्य रेलवे ने मुंबई के वाड़ी बंदर में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए एक नया मेंटेनेंस डिपो बनाने पर काम शुरू कर दिया है। रेलवे ने स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के बीच पटरियों पर मेटलिक फेंस लगाना शुरू कर दिया है। भारत के अन्य प्रमुख शहरों होते हुए बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के बीच कुछ और इंटरसिटी वंदे स्लीपर सेवाएं जल्द ही शुरू हो सकती हैं। वंदे स्लीपर ट्रेन को सफल बनाने के लिए रेलवे को लंबी दूरी तय करने वाले सबसे इकोनॉमिकली वायबल रूट्स पर ट्रेनें चलाने की जरूरत है। पहली वंदे स्लीपर ट्रेन सितंबर तक सेवाएं शुरू कर सकती है, जो दिल्ली और मुंबई के बीच शुरू होने की संभावना है। ये ट्रेनें राजधानी एक्सप्रेस को टक्कर देंगी, जिसे ये जल्द ही धीरे धीरे रिप्लेस कर सकती हैं। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।